देखिए इंडियन सिनेमा में साउथ के एक्टर आने से बस एंटरटेनमेंट अच्छा नहीं हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें अच्छी हुई है जिसकी ये वीडियो आज हमने बनाई है। देखिए रिसेंटली काफी सारी खबरें आ रही थी जब विमल ब्रांड को प्रमोट करते हुए पाए गए थे अजय देवगन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार। देखिए इस ब्रांड को सबसे पहले प्रमोट करने लगे थे अजय देवगन, उसके बाद बोलो जुबा केसरी करते शाहरुख खान आ गए, और उसके बाद जुबा केसरी कर दी अपने अक्षय कुमार ने भी, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा नाराज हुए। लेकिन इन लोगों को फर्क कहाँ पड़ता है, लेकिन रिसेंट दो तीन खबरें ऐसी आई जिसके बाद ये बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरा हिल गई। NTR को अप्रोच किया गया, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद अभी खबर आई थी कि 6-7 करोड़ रुपए तक के लिए अल्लू अर्जुन को अप्रोच किया गया, विमल ब्रांड ने ही अप्रोच किया था उनको, ताकि जो साउथ में अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग है वहां तक ये चीजें पहुंच जाए। लेकिन अल्लू अर्जुन ने साफ मना कर दिया, उस तरफ NTR ने मना कर दिया, और ये बातें फैंस में आ गई, जिसके बाद भाई इंस्टाग्राम पर उनकी जहां जहां सोशल मीडिया थी वहां वहां उनको लोग इतने बुरे तरीके से ट्रीट करने लगे कि इनसे कुछ सीखो, देखो कि किस तरीके से इन्होंने अब भी अपने अंदर एक उस इंसान को जिंदा रखा है जो पैसे का लालची नहीं है। और आप लोग, आपके कितने यूथ फैन हैं, और अक्षय कुमार के मामले में और अजय देवगन के मामले में बच्चे बहुत ज़्यादा फैन हैं, क्योंकि बोथ आर एक्शन हीरोज, और जब आप एक्शन हीरोज होते हैं तो आपको बच्चे बहुत पसंद करते हैं। सेम केस गोज विद अल्लू अर्जुन और NTR। NTR का तो कहना था कि भैया मेरे बहुत सारे बच्चे फैंस हैं, आई डोंट वांट टू टेक दिस रिस्क, और सेम चीज़ थी अल्लू अर्जुन की कि बच्चे मेरे डांस को बहुत कॉपी करते हैं और मेरी की गई हर एक चीज़ कॉपी होती है, तो मैं ये चीज़ नहीं लूँगा। और जैसे खबर अक्षय कुमार के पास पहुँची भाई, उन्होंने पब्लिकली सॉरी बोल दिया है। उनका कहना था कि मैंने ये सब चीज़ें नहीं सोची, एक ब्रांड था बाबा इलायची करता था, तो मैंने विमल भी कर लिया और ये नहीं पता था कि भाई इसका इतना बुरा नतीजा होगा। और यार वो तो अभी ऐसा होना ही होगा, अब सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो चुका है, लोगों को समझ आ गया किसे फॉलो करना है किसे फॉलो नहीं करना है। पब्लिकली सॉरी बोल चुके हैं, जितने भी अमाउंट उनको विमल के लिए मिली है वो सारी वो चैरिटी में देंगे, प्लस जैसे ही ये लीगल टाइम्स का खत्म हो जाएगा विमल उनकी एड ऑन एयर नहीं करेगा। फाइनली कुछ अच्छा होने लगा है। थैंक यू जितने भी साउथ सिनेमा से लोग आते हैं, तमिल इंडस्ट्री से जो लोग आते हैं, तेलुगु से, कनाडा से, जितने भी ये लोग हैं, थैंक यू वेरी मच एक नया सिनेमा दिखाने के लिए, एक नया एंटरटेनमेंट देने के लिए। बाकी आप लोग भी इस बात से एग्री करते हैं कि इन लोगों के बाद हमने काफ़ी कुछ नया देखा है, तो यार लाइक मारो और कमेंट करो कि आपको फेवरेट कौन लगता है साउथ इंडस्ट्री में, कौन है जिसके लिए आप दीवाने हैं। बाकी वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द नई अपडेट्स के साथ, नए वीडियोज़ के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।